बुधवार 17 फरवरी को हनुमान नगर स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में वाग्यज्ञ एकेडमी द्वारा भाषण कला प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया गया, जिस दौरान सुप्रसिद्ध कथा लेखक मंजूषा सावरकर और महाज्योति के संचालक बबन राव तायवाड़ी की प्रमुख उपस्थिति थी। आज के इस आधुनिक युग में एक प्रबल वक्ता की हमेशा सराहना की जाती है, लेकिन बहुत बार ऐसे बहुत लोग भी होते हैं जो एक अच्छे वक्ता तो होते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिल पाती है, और ऐसे ही लोगों को प्रबल बनाने के उद्देश्य से वाग्यज्ञ एकेडमी द्वारा भाषण कला प्रशिक्षण वर्ग का बुधवार को उद्घाटन किया गया। इस संदर्भ में वाग्यज्ञ एकेडमी के प्रशिक्षक नीले सोनटक्के ने अधिक जानकारी साझा की। सर आपका इंट्रोडक्शन। माझं नाव निलेश सोनटक्के, वाग्यज्ञ अकॅडमीमध्ये मी प्रशिक्षक आहे। असं म्हटलं जातं की बोलणाऱ्याची माती ही विकल्या जाते, आणि अशा प्रकारची ही आख्यायिका आहे की वक्ता दस सहस्रेशु, म्हणजे 10,000 लोकांमध्ये एक वक्ता तयार होत असतो। मला हे म्हणायचं आहे की विदर्भाच्या लोकांमध्ये प्रचंड प्रतिभा आहे, प्रचंड ताकद आहे, लोखंडाचं सोनं करण्याची परिच क्षमता विदर्भातल्या लोकांमध्ये आहे। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी की 22 फेब्रुवारी से इस प्रशिक्षण वर्ग की पहली बैच शुरू होगी, जिसमें एक महीने की कालावधि में कोर्स पूरा किया जाएगा। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।